भाई जनक बोला चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा अंतापुर पहुंचा दो संदेश। अब सीते का हो प्रवेश, रानी सुनैना तक हमारा संदेशा पहुंचा दिया जाए, कह दिया जाए रानी सुनैना से। सीए शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी सिए शोभा नहीं जाए बखानी चली सकले सखी सयानी गीत मनोहर शोभा नहीं जाए बखानी तब बंदी जन जन के बुलाए वृंदावली ताते चलिया कड़े और इस प्रकार सभी राजा भूप सहस दस एक बारा लगे उठावन टरै नटारा डगै न संभ सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी श्री हरि भय बैठे निज निज जाय समाजान पन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोस जन साने समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता।
और कहां चला गया तुम्हारा वो बल? सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा देखे ना, किए पाए थे निजे और ये निजे जाए ये समाजा। अब जब ये सीरीहत पाई किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो काम सभी यहां पर बिना बुलाए आए। नहीं, मैंने सात महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुनकर के आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो विचार किया होता। ये तो सोचा होता कि अगर मेरे पिंड की पूर्ति नहीं होगी तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। कभी आपने विचार नहीं किया, आपने ये नहीं सोचा कि क्या होगा रानी सुरैना का अगर ये पिंड की पूर्ति ना हुई तो क्या होगा इस अभागे जनक का। आपने कभी ये नहीं सोचा? मैंने तो सोचा था कि इस वसुंधरा में वीरों की कोई कमी नहीं, मेरे पिंड की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आज क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने सपने संजोए थे मैंने, लेकिन आज मेरे साथ कुटारा घात हो गया, मेरे साथ सारा बात हो गया। हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, देख लो मेरे मित्रों, हम कहें कि हमारी
ये दुलारी रही पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज को क्या मैंने जो सपने सजोए थे क्या आज वो पूर्ण नहीं होंगे? क्या मेरी बेटी के हाथों में अब कभी मेहंदी न सज पाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या मैं अपने ही हाथों से बेटी को डोली में नहीं बिठा पाऊंगा? क्या मैं बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था, कितने यत्नों से मैंने बेटी का लालन पालन किया था। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमाराया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। पर राज बेटी मेरी आज कुआरी, सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर, देखता हूं पाता हूं बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत से ऐसी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज आज वो बेटियां सयानी हो गई है, आज वो बेटियां बिवाहियों को गई है। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, उस पिता को रात में निद्रा नहीं आती। पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी कन्या हो जाए, उस मां को चैन नहीं मिलता कि मेरी बेटी सयानी हो गई। कब वो शुभ समय आएगा जब मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी? संसार का प्रत्येक पिता,
संसार की प्रत्येक माँ यही चाहती है, क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा ई क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घरों में बेटियां ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। क्या जानेगा वो जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, वो नहीं बता सकता। मेरे बंधुओं, आप सबने देखा होगा, क्योंकि ये प्रायः सभी के घरों में होता है, आप सबने भी देखा होगा, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, वो दृश्य आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, आप सबने वो दृश्य देखा होगा, क्योंकि सभी के घरों में वो होता है, सबके घरों में होता है। कितनी माँ बाप मेहनत करते हैं, रिश्तेदार नातेदार सभी आते हैं, इतनी मेहनत करने के पश्चात जब वो विदाई का समय आता है, मेरे बंधुओं, एक सबसे विदाई, और जिस समय बेटी प्रथम बार विदा होकर के अपने ससुराल को जाती है, प्रथम बार आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का कर्ण विलाप, और प्रभावित हुए हमारे भैया श्री लखनलाल जी राजपूत, इनके और मुद्राएं प्रदत्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, देखना चाहे जमा लेना, तो सबसे पहले वो बेटी अपनी मां के पास जाती है, जिस मां ने उसे जन्म दिया है, तो अपनी मां के पास जाती है वो बेटी, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके अपने मां के सीने से लिपट जाती है, और वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। वो बेचारी मां सबसे पहले तो अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, और कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। आ ध्यान दे, बीरबल आचार्य जी, और आप हैं हमारे भैया श्री बीरबल आचार्य जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के करुणामयी विलाप पर प्रदान हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है,
मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, आज तो मेरा आंगन छोड़ करके जा रही है मेरी बेटी, और ये कह करके वो बेचारी माँ दौड़ करके अपनी बेटी को सीधे से लगा लेती है और स्वयं फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विदाई का वो समय आता है, लोग कहते भाई विदाई का समय आ गया, बेटी को विदा करें। वो अभागा पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, और जिस समय बेटी को डोली में बिठाता है पिता, बेटी डोली से कूद पड़ती है और दौड़ करके अपने पिता के सीने से लिपट जाती है, और फूट फूट करके रोने लगती है। पिता उसे सांत्वना देता है, बेटी को समझाता है, अब करता क्या है कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। बार बार पिता के सीने से लिपट करके बेटी रोती है, लेकिन पिता नहीं रोता, पिता नहीं रोता। जानते क्यों? क्योंकि वो पिता जानता है कि अगर मैं बेटी के समक्ष आंसू बहा दूंगा, अब मेरी बेटी ने अगर मेरे एक आंसू को देख लिया तो मुझसे लिपट जाएगी, मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर इसलिए वो पिता बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता। वो करता क्या है कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, और कितना खुद खुश नसीब वो होता है। डोली में तो बेटी को बिठा करके विदा कर देता है, इसके बाद मेरे बंधुओं वही पिता चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब वो पिता देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो क्या करता है? कभी आपने जाना है कि उस पिता के हृदय में क्या बीतती है बेटी के जाने के बाद? कभी आपने सोचा है? उस पिता से पूछना, वो पिता करता क्या है? देखता है चारों ओर, जब कोई उसे दिखाई नहीं देता तब करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता। आज मेरी बेटी चली गई, मेरा आंगन सूना हो गया, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई,
भगवान से प्रार्थना करता है वो पिता, ईश्वर से कहता है वो पिता कि हाय विधाता तूने ये, भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने ये, और कैसी रीत बनाई अजिस बेटी को मैंने पाला, वो अब बेटी हुई पराई, जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। और जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे मित्रों, हृदय में एक तीर सी उठती है। क्यों? क्योंकि लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराया धन है। क्यों भाई? कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे भैया बेटी पराया धन है, ये बेटियां पराया धन है। विद्युत समाज है, ज्ञानी समाज है, आप लोग भी समाज में बैठे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ये बेटियां पराया धन है? क्या उचित है कहना? क्या ये बेटियां पराया धन है? ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि ये बेटियां पराया धन है। अगर बेटियां पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान? अगर बेटी पराया धन है तो क्या पराया धन का कोई दान करता है? ना, दान अपनी वस्तु का होता है, अपनी वस्तु का दान होता है, पराये की नहीं। अगर पराया धन है बेटी तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं फिर लोग दान अगर बेटी पराया धन है? मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है, अपना धन। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधुओं एक बात मेरी भी आप लोग मान लीजिएगा, और वो कौन सी बात? कि ये बेटी लाख ये पराया धन है। अगर मैं आपकी बात को मान लूं, आपकी बात को अगर मैं स्वीकार कर लूं, एक बात मेरी स्वीकार कर लेना आप सभी, और कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है। पर मेरे मित्रों, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है, वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। धन्य है वो मां जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है, धन्य है वो पिता, धन्य है वो कुल जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है मेरे बंधुओं, यहां से बताई जा रही है बात। क्या? कि नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। वो मां धन नहीं है, वो कुल धन नहीं है
जिस कुल में बेटी ने जन्म नहीं लिया है वो माँ धन नहीं है। जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है वो माँ धन नहीं है। कि नहीं माँ तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। और धन्य कौन माँ है, धन्य कौन कुल है, धन्य कौन पिता है। कि जने माँ तो कन्या शुद्धन्या वही है। वो माँ धन्य है, वो कुल धन्य है, वो पिता धन्य है। जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है वो धन्य है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज आप इस तरह तो बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं, बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना भैया, मैं पक्षपात क्यों करूंगा, मैं भेदभाव क्यों करूंगा। बोले सरासर आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं बेटी और बेटे में। बेटी माने क्या, कुछ नहीं, बेटे से तो वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है। अब बेटी माने कुछ नहीं। अरे मैंने कहा वाह मेरे मित्र, इस बात को आपने सहज में कह दिया कि बेटी माने कुछ नहीं, बेटे से वंश चलता है और बेटी माने कुछ नहीं। वाह इस बात को कहने वालों, अरे कम से कम ये तो जाना होता, ये तो सोचा होता कि अगर काश अगर ये बेटियां ना होती तो ये सृजन का सार ना होता, अगर ये बेटियां ना होती तो कोई नाते रिश्तेदार ना होता, अगर ये बेटियां ना होती तो ये संसार होता ना कोई रिश्तेदार, अगर ये बेटियां ना होती। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि बेटा ये कुल का दीपक है। इस बात को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं कि बेटे से पंच चलता है, बेटा आपके कुल का दीपक है। लेकिन मेरे मित्रों करो बेटा ये कुल का दीपक तो ये बेटी नैनों की ज्योति। अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती। क्या जानेंगे वो लोग। एक बात और बता दूं आपको, सबसे ज्यादा सबसे अधिक अगर पिता से कोई प्यार करने वाला है, अपने पिता से स्नेह करने वाला है, पिता की सच्ची देखभाल करने वाला है तो वो है घर में बेटी। मेरे बंधु वो जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होके आवाज लगाता है, लाओ कोई है घर में, मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आज माले ना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं
संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, अगर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के, और ये मीत पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत, बेटी अपने निजे पिता से रखती साची प्रीत। बेटी को ससुराल में चाहे जितनी यातनाएं मिल जाएं, चाहे जितना बड़ा कष्ट मिल जाए, कभी अपने मां बाप को नहीं बताती, सब कुछ सहन कर लेती है। कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी को ससुराल में, सब कुछ सहन कर लेगी मेरे मित्रों। लेकिन अगर बेटी के मां और पिता के खिलाफ कोई अपशब्द कहा गया तो याद रख लेना, भारतीय संस्कृत में पली हुई ये बेटियां, ये बेटी अपने प्राण दे देगी, लेकिन मां बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकते। ये ज्ञान की नगरी मिथिला। आज सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। मैंने तो सोचा था ज्ञान की नगरी ये मिथिला, लेकिन आज मैं देख के आ रहा हूं कि इस ज्ञाने पुरी का ज्ञाने कहां चला गया, और कहां चला गया ब्रजेंद्र? याद ये आ गया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था कि सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, मन जाही राचो मिले सो बरसाए सुंदर सांवरो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान बाज, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान, जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने भी जाना है, मैंने भी समझा है। जाना क्या है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को कहता नहीं, लेकिन विवश किया कहने के लिए।
मुझको बाध कर दिया गया कहने के लिए, और जब बाध कर दिया गया, विवश कर दिया गया, तभी तो मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, तभी आज मैंने कह दिया है कि अब जानी को आये माखे भट मानी। क्यों? क्योंकि ये पीरे पीने और ये मही मैं बस समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पड़ की पूर्ति कर दे। एक कार्य बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आशा। आशा को छोड़ दो, अब करना क्या है? कि अब निजे निजे गृह जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखाना विधि ये वैदे ही पिवाऊं। ले जाओ सीता की सखियों सीता को, जाओ राजा बेटी, राज महलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। बस ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग, अवनी का रंग भगा दो नेपालों को यहां से।